Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So, आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी. तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सरफेस एरिया के ऊपर डिस्कशन किया था. सो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी डेंसिटी, पोरोसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी के बारे में कि डेंसिटी क्या होती है, पोरोसिटी क्या होती है एंड कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है. ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो पार्टिकल साइज और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं. सो अब हम बात करेंगे पोरोसिटी से. पोरोसिटी क्या होती है? पोरोसिटी में आ गई आपकी ट्रू वॉल्यूम. ट्रू वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ. जो पाउडर होगा उसका जो वॉल्यूम है उसको बोलेंगे हम ट्रू वॉल्यूम. और ग्रेन्यूल वॉल्यूम कौन सी होती है? वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ प्लस द वॉल्यूम ऑफ इंट्रा पार्टिकल स्पेस और जो पोर्स होते हैं, तो वो होगी ग्रेन्यूल वॉल्यूम. अब अगर मैं बात करती हूँ बल्क वॉल्यूम की, तो बल्क वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ प्लस वॉल्यूम ऑफ इंट्रा पार्टिकल स्पेस और पोर प्लस वॉल्यूम ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस जिसको आप वॉइड बोलोगे. तो देखो कैसे निकालते हैं वॉइड वॉल्यूम, वो मैं आपको बताती हूँ. वॉइड वॉल्यूम इज इक्वल टू बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम. ये बोल रहा है बी बी माइनस बी टी ट्रू वॉल्यूम. बल्क वॉल्यूम में से ट्रू वॉल्यूम माइनस कर दो, वो होगी वॉइड वॉल्यूम आ जाएगी. और पोरोसिटी को हम ई से डिनोट करेंगे जिसका फॉर्मूला है वी वी माइनस वी बी. वी बी माइनस बी टी एंड डिवाइड बाय बी बी इज इक्वल टू वन माइनस बी टी डिवाइड बाय बी बी इंटू 100 कर दो. जैसे आपको ये पता नहीं सबसे पहले कि जैसे डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. पाउडर का जो मास रहेगा, वेट, मास अपॉन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है उसका, तो वो आपकी डेंसिटी होती है. अब मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ डेंसिटी. तो टाइप्स ऑफ डेंसिटी में जैसे आपने देखा ट्रू वॉल्यूम, ग्रेन्यूल वॉल्यूम और बल्क डेंसिटी होती है. तो ट्रू वॉल्यूम में आपका जैसे किस चीज़ का यूज़ करोगे आप? इसमें हीलियम पिकनोमीटर का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप पोरस सॉलिड के लिए हीलियम पिकनोमीटर का यूज़ करते हैं और नॉन पोरस सॉलिड के लिए हम लिक्विड डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं एम बाय पी टी. और ग्रेन्यूल डेंसिटी कैसे निकालते हैं? एम बाय वी जी. और इसका मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू करते हैं. एंड वर्क डेंसिटी कैसे चेक करते हैं? ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेथड बेस्ड ऑन टैपिंग द पाउडर फ्रॉम इंच हाइट थ्राइस इन 2 मिनट इंटरवल. इसको एम बाय बी बी ये इसका फॉर्मूला रहता है. तो ये कुछ डेंसिटी के टाइप्स थे, ट्रू डेंसिटी, ग्रेन्यूल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी. कैसे निकालते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन से मेथड के थ्रू करते हैं, तो ये आपको समझ आ गया होगा. अब हम एक प्रॉपर्टी आपने देखी थी बल्किनेस एंड पैकेजिंग. अब हम बल्किनेस एंड पैकेजिंग की बात करूँ तो इसमें क्या, पार्टिकल साइज इंक्रीज. अगर पार्टिकल साइज बढ़ रहा है तो बल्किनेस डिक्रीज हो जाएगी. तो पाउडर का जो बल्क है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका जो पार्टिकल का जो साइज है वो बढ़ रहा है, तो बल्क उसका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पाउडर ब्लेंड इज इम्पॉर्टेंट. जो आपका पाउडर होता है, जो आपका ब्लेंड होता है, उसका उसमें यूनिफॉर्मिटी का होना बहुत जरूरी है. स्मॉल पार्टिकल्स टेक्स प्लेस इन स्पेस बिटवीन लार्जर पार्टिकल्स दैट डिक्रीजेस बल्किनेस. अगर आपके पार्टिकल का साइज स्मॉल होगा तो जो बल्कनेस होगी, प्लेस इन स्पेस बिटवीन लार्जर. अगर स्मॉल पार्टिकल्स मतलब लार्ज पार्टिकल्स में अगर हम क्या करेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स को ऐड कर देंगे, दैट डिक्रीज बल्किनेस. की वजह से जो बल्क होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा. बल्क प्रॉपर्टी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर पैकिंग क्राइटेरिया फॉर पाउडर. जो बल्क प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पैकिंग क्राइटेरिया. अगर हम आपको पाउडर को पैकिंग करना है, जो पैकिंग क्राइटेरिया रहता है आपके पाउडर का, उसके लिए बल्क प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये था आपका बल्किनेस एंड पैकेजिंग. अगर अब मैं बात करती हूँ पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ परसेंट कंप्रेसिबिलिटी की, तो इसमें एबिलिटी ऑफ पाउडर, जो आपके पाउडर की जो एबिलिटी है टू डिक्रीजेज वॉल्यूम अंडर प्रेशर. देखो तो सबसे पहले आता है कंप्रेसिबिलिटी, जिसको आप कार्ल्स इंडेक्स बोलते हैं. कैसे निकालते हैं? वो होता है टी डी माइनस बी डी बाय टी डी इंटू 100. टी डी टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी माइनस अपॉन टी डी टैप डेंसिटी इंटू 100. तो जो आएगी वो आपकी होगी कार्ल्स इंडेक्स होगा, कितना परसेंट आ रहा है.
एंड अगर मैं बात करूँ, एक कार्ल्स इंडेक्स हो गया जिसको हम परसेंटेज में लेंगे, और फ्लो डिस्क्रिप्शन है उसका। जैसे अगर आपका कार्ल्स इंडेक्स 5 से 15 के बीच में आता है तो वो एक्सीलेंट फ्री फ्लोइंग होगा। अगर 12 से 16 के बीच में आ रहा है तो गुड फ्लो है। अगर 18 से 21 आ रहा है तो फेयर फ्लो है। 23 to 28 आपका पुअर वेरी फ्लूड पाउडर होगा, और 28 से 35 के बीच में आएगा तो पुअर फ्लूड कोहेसिव होगा वो। अगर 35 to 38 है तो वेरी पुअर होगा, और अगर ग्रेटर देन 40 है तो एक्सट्रीमली पुअर फ्लो है। तो ये था आपके कार्ल्स इंडेक्स में, हम इस इंडेक्स को फॉलो करके चलते हैं। अगर इसके बाद मैं आपको हॉजनर रेशो की बात करूँ तो हॉजनर रेशो कैसे निकालते हैं, टीडी बाय बीडी, टीडी टैप्ड डेंसिटी बाय बीडी बल्क डेंसिटी। टैप डेंसिटी से बल्क डेंसिटी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो वो हो गया आपकी हॉजनर रेशो। हॉजनर रेशो लेस देन अगर आपकी 1.25 है तो वो गुड फ्लो है। अगर 1.25 से 1.5% के बीच में है तो वो आपका मॉडरेट है, और अगर मोर देन 1.5, अगर ज़्यादा हुई आपके 1.5 से तो वो बहुत ही पुअर फ्लो है। तो ये आपके हॉजनर रेशो थी। एंड अगर मैं आपको देखो, सबसे पहले जैसे अगर आप कोई न्यू मॉलिक्यूल बनाते हो तो उसमें पाउडर का फ्लो हम चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पाउडर का फ्लो। अगर मैं आपको इधर थोड़ा सा बताऊं तो सबसे पहले आएगी आपकी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी निकालते हैं हम मास अपॉन वॉल्यूम, ये पता होना चाहिए। अगर आपकी बल्क डेंसिटी की बात करें तो क्या होता है, बल्क मास अपॉन बल्क वॉल्यूम, ये हो गया आपका। फिर आगे टैप्ड डेंसिटी, टीडी कैसे निकालते हो आप, ये जो आपका बल्क वेट जो वो था, वो वेट आएगा बल्क मास, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सी, जो आपकी टैप करके आएगी इसको 100 टाइम टू 100 टाइम, जितने टाइम आपको टैप करके जो वॉल्यूम आएगा वो आ गया आपकी टैप डेंसिटी। फिर आपकी कार्ल्स इंडेक्स, कार्ल्स इंडेक्स आपने ये देख लिया, कार्ल्स इंडेक्स निकालते हैं टीडी माइनस बीडी अपॉन टीडी इंटू 100, वो आएगा इसके बीच में आना चाहिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्लो कैसा है। और उसके बाद आपकी हॉजनर रेशो आ गई टीडी बाय बीडी। तो ये आपकी जब आप किसी भी पाउडर की प्रॉपर्टीज चेक करते हो तो ये चार चीजें बहुत जरूरी होती हैं, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, कार्ल्स इंडेक्स एंड हॉजनर रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।